हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जयेश घुगे फ्रॉम स्माइल प्लीज डेंटल क्लिनिक। वेलकम टू आवर चैनल। पिछली बार हमने बात की थी दांत निकालने के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे दांत बिठाने के बारे में। दांत निकाल दिया तो उसका बिठाना भी ज़रूरी है, तो इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों ज़रूरी है, क्या होता है। बॉडी इज अ मैजिक, मतलब ये खुद को इतना एडजस्ट कर देती है आप सोच भी नहीं पाओगे। सबसे पहले क्या होता है, जब हमने ये बीच का दांत निकाला है तो ये जगह भरने के लिए, क्योंकि ये चीज़ फंक्शन में है, ये जगह फंक्शन में है, आप खाना पीना खा रहे हो, भले फिर ये पीछे का दांत रहे या आगे का दांत रहे, तो जब ये दांत निकल गया है आजू बाजू के दांत बॉडी एडजस्ट कर देती है या फिर माइग्रेट कर देती है, उनको हिला देती है ये जगह भरने के लिए। मतलब यहाँ पे ये बाजू वाला दांत, आगे वाला दांत पीछे चला जाता है, पीछे वाला दांत आगे चला जाता है और नीचे वाला दांत ऊपर आ जाता है, क्योंकि वहाँ का फंक्शन बॉडी रिस्टोर करना चाहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब दांत मूव हो रहे, दांत अपनी जगह से हिल जा रहे, इसमें दांत की लंबाई नहीं बढ़ती है पर दांत अपनी जगह छोड़ देते। इसके लिए बहुत बार ऐसे सुनने में आता है कि मैंने एक दांत निकाला तो मेरे बाकी के दांत भी हिलने लग गए, क्योंकि हम लोग उसको बिठाने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो एक दिन या दो दिन या कुछ महीनों में नहीं होती है, ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिफर करती है कि ये कितने टाइम में होगी, पर ये होती ज़रूर है। इसके लिए दांत को बिठाना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये दांत बिठाना क्यों ज़रूरी, क्योंकि जब हम लोग दांत नहीं बिठा रहे तो अपना खाने पीने का फंक्शन जो है, जैसे अपना जबड़ा ऐसे खुलता है ऐसे बंद होता है, तो ये फंक्शनिंग जो है ये भी अल्टरेशन होता है थोड़ा बहुत, या अगर ज़्यादा दांत निकाले हुए हैं। क्योंकि नॉर्मली पेशेंट का टेंडेंसी ये हो जाता है कि अगर मैंने राइट साइड के दांत निकलवाए हैं तो मेरे लेफ्ट साइड से ही मैं खाना खाऊंगा, और वो आदत बन जाती है, तो राइट साइड कमज़ोर होते जाती है, वहाँ के मसल्स एट्रोफिक मतलब कमज़ोर होते जाते हैं, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में अगर कोई पेशेंट एक ही साइड से खाना खा रहा है तो उसका लेफ्ट साइड अच्छे से डेवलप दिखेगा, अच्छे से कॉन्टूर दिखेगा, मतलब ये शेप जो है बाहर का अच्छा दिखेगा, लेकिन दूसरे साइड से ये फ्लैट होते जाएगा, तो जो फेशियल असिमेट्री है वो इजीली नोटिसेबल होती है। प्लस आपके ये साइड में, मतलब राइट साइड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो साइड में उतना सलाइवरी कंटेंट, मतलब आपका जो थूक है वो उतना नहीं बन पाता है, इजीली डिपॉजिट जम जाते हैं, मतलब जो भी खाना आप खा रहे हो वो ईजिली चिपक जाता है, वहाँ पे कीटाणु जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो ईजिली पनपते हैं, इसके लिए वो साइड के दांत और जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। तो इन सारी वजहों को आपको अगर टालना है, अगर आपको आपके सारे दांत अच्छे चाहिए लॉन्ग टर्म तक, तो डेफिनेटली आपको दांत बिठाना ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ही दांत है जो ना बिठाए तो भी चलता है, वो है विजडम टूथ या अक्कल दांत, क्योंकि वो नॉर्मली उतना फंक्शन में नहीं रहता है, ना एस्थेटिकली वो इतना फंक्शन में आता है, इसके लिए हम लोग उसको ना नहीं बिठाने की सलाह देते हैं। अभी दांत बिठाना है तो क्या क्या चाह रहे हैं अपने पास, तो सबसे पहले आते हैं अपने पास दो ऑप्शंस, एक निकालने पहनने वाला दांत बिठाना या फिक्स्ड वाला दांत बिठाना। निकालने पहनने वाले दांत हम लोग नॉर्मली, जो डेंटिस्ट है वो एक उम्र के बाद, एक 60s के बाद, 65 के बाद सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे नॉर्मली दो या तीन दांत मिसिंग है या फिर सारे के सारे दांत मिसिंग है, मतलब सारे के सारे दांत निकलवाए हैं, तो उस केस में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट डेंचर। जब आपके सारे दांत मिसिंग हैं तो ऐसे बिठाया जाता है और ऐसे निकाल सकते हैं पेशेंट इस चीज़ को, इसको बोलते हैं कंप्लीट डेंचर। ये ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला पूरा पैलेट पे, पूरे तालू पे सपोर्ट लेता है और ऐसे मुंह में जाके बैठता है। नीचे वाला मॉडल मैं अगर दिखाऊँ तो वो ऐसे होता है, जो पूरे हड्डी पे सपोर्ट लेता है और वो पूरा नीचे स्ट्रेट जाके बैठता है। ये हो गया निकालने पहनने वाला ऑप्शन, ये आपके लिए जब एक भी दांत मुंह में नहीं है और उम्र बहुत ज़्यादा है तो सजेस्ट किया जाता है। इसमें अगर आप पार्शियल डेंचर, मतलब 5-6 दांत ही नहीं है और उतने ही आप निकालने पहनने वाले बिठाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बिठा सकते हो। लेकिन इस चीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आप ये चीज़ बिठा रहे हो तो यहाँ की जो हड्डी है उसके ऊपर है मसूड़ा, और जिसके ऊपर ये बैठ रहा है आपका डेंचर, तो यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन जो होता है वो मसूड़े का होता है, ना कि हड्डी का।
और अपनी बॉडी की जनरल टेंडेंसी, नॉर्मल टेंडेंसी ये होती है कि जो भाग आप बॉडी का यूज़ नहीं कर रहे हो वहाँ पे बॉडी उतने न्यूट्रिशंस नहीं भेजेगी। मतलब अगर एग्जांपल मैं दूँ कि किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है 2-3 महीने तक, प्लास्टर निकालने के बाद आपने देखा होगा कि वो हाथ पतला होता है दूसरे हाथ से, क्योंकि वो हाथ नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा था। तो सिर्फ उसके हीलिंग के लिए, उसका ज़ख्म भरने के लिए जितना ज़रूरत थी उतने ही न्यूट्रिशंस बॉडी ने पहुँचाए, उसका फंक्शन ना होने की वजह से वहाँ बॉडी ने न्यूट्रिशंस नहीं पहुँचाए। सेम चीज़ होती है जब आप ये दांत निकाल देते हो तो आपकी हड्डी घस जाती है। ये तो मैं आइडियल मॉडल दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर अपने को हड्डी कितनी है ये समझ में आ रहा है, पर एक्चुअल में इतनी हड्डी होती नहीं है पेशेंट्स के मुंह में। इसके लिए बहुत बार अगर आप ये नीचे वाला निकालने पहनने वाला डेंचर बिठा रहे हो तो वो उतना असरदार या उतना मजबूती से पकड़ नहीं बना पाता है। प्लस जैसे मैंने बोला कि ये सॉफ्ट टिश्यू पे ज़्यादा सपोर्ट लेता है, हड्डी का फंक्शन वहाँ पे मिनिमल है, तो हड्डी का धसना जो है वो चालू ही रहता है। तो एक कंडीशन के बाद ऐसा होता है कि ये डेंचर की लाइफ होती है 4 से 5 साल 6 साल, किसी किसी के केस में थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, पर उसके बाद वो ढीले हो जाते हैं और आपको नया डेंचर बनाना पड़ता है। अभी आता है दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया कि फिक्स्ड वाले दांत बिठाना। फिक्स्ड वाले दांत बिठाने के भी 2 तरीके हैं मुँह में, एक दांत का सपोर्ट लेके या हड्डी का सपोर्ट लेके। दांत का सपोर्ट लेके जो चीज़ बिठाई जाती है उसे बोला जाता है ब्रिज, जो कि ऐसे दिखता है। जब आपका एक दांत निकाला हुआ है तो हम लोग आगे का एक दांत आगे का एक दांत और पीछे का एक दांत से 2 दांतों को ट्रिम करके उसके ऊपर सपोर्ट लेते हैं और ऐसा एक मॉडल बनता है जिसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, बीच वाला दांत भरा हुआ है जो मसूड़े के शेप में बिठाया जाता है। तो ये 3 दांत एक साथ चिपकाए जाते हैं। इसी टॉपिक पे ऊपर अगर मैं बात करूँ, फिक्स में अगर दांत बिठाने हैं इस तरीके से, ब्रिज की तरीके से, तो इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि हम लोग आगे पीछे के 2 अच्छे दांतों को ट्रिम कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है, इसके लिए उन दांतों का इंटेंशनल रूट कैनाल करना पड़े और फिर आप ये कैप बिठा पाओगे जिसमें नेचुरल जो दांत है वो घस गए। प्लस जैसे मैंने पहले भी बोला था, हड्डी अगर फंक्शन में नहीं है तो वो घसते जाएगी, तो प्लस इसके नीचे हड्डी जो है वो उतनी फंक्शन में होती नहीं है, क्योंकि जो बीच वाला दांत हम लोग बिठा रहे हैं वो अपने ऊपर पड़ने वाले फोर्सेस बाकी के 2 दांत जिनके ऊपर हमने सपोर्ट लिया है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो एक्चुअल में खुद के ऊपर कोई लोड लेता नहीं है। तो क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय में ये नीचे वाली जो हड्डी है जहाँ पे दांत नहीं है वो हड्डी घसने वाली है, गलने वाली है, तो वहाँ से खाना फंसना चालू होता है। तो दोनों में से एक दांत, जैसे हमने आगे और पीछे सपोर्ट लिया था, उन दोनों में से एक दांत खराब होने के चांसेस होते हैं और वो खराब होके पूरा ब्रिज तोड़ के निकल के आ सकता है। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है, तो हड्डी में सपोर्ट लेके दांत कैसे बिठाया जाता है, तो उसे बोला जाता है डेंटल इम्प्लांट्स। इट इज़ वेरी एडवांस सिस्टम, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इम्प्लांट बना रही है, लेकिन हम जो रखते हैं वो सक्सेसफुल कंपनीज के ही रख रहे हैं। तो वो होता कैसे है, बेसिकली आपका जब दांत नहीं है तो उस जगह पे �से इम्प्लांट्स बिठाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दांत नहीं है, यहाँ पे 1 दांत नहीं है, तो वहाँ पे हड्डी में एक स्क्रू जैसी चीज़ डाली जाती है और वो बिठाई जाती है, उसके ऊपर ऐसी एक अटैचमेंट लगती है और उसके ऊपर कैप बिठाई जाती है। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे, हड्डी भी फंक्शन में आ गई, ना हमने आजू बाजू के दांतों को छेड़ा, तो 2 नॉर्मल दांत भी नेचुरल नॉर्मल रह गए और बीच वाला दांत भी रिप्लेस हो गया। और इस केस में हड्डी से दांत को सपोर्ट मिल रहा है जो हम लोग बिठा रहे हैं, तो आपका फंक्शन जो है दांत का वो बहुत अच्छी तरीके से रिस्टोर होता है, जो ब्रिज में नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रिज लगाने के बाद आपको खाने पीने के ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और उससे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आते हैं आपको खाने पीने के ये निकालने पहनने वाली चीज़ में। इसके लिए नॉर्मली यंग एज में या फिर 1-2 दांत मिसिंग है तब हम लोग नॉर्मली निकालने पहनने वाली चीज़ सजेस्ट नहीं करते हैं। तो अभी जो आखिरी ऑप्शन मैंने आपको बताया इम्प्लांट, उसके बारे में कुछ लोगों के सवाल है, उसके बारे में हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट बड़ा टॉपिक है तो हम लोग उसके बारे में, इम्प्लांट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि दांत बिठाना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।